वेलकम फ्रेंड्स आर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड ईयर डी फार्मा के जो कि सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये सेकेंड वीडियो है, अब जो एग्ज़ाम होने वाला है तो इसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे सिलेबस के और एक 2020 का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी है, आपको इसमें पास होना ज़रूरी है, नेसेसरी है, मैंडेटरी इसमें पास होना। अगर इसमें फेल हो गए तो यू विल बी कंसिडर अ फेल। तो इसमें पास होना बहुत ज़रूरी है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जो इससे पहले की वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस इसका कवर किया है और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें हम दो टॉपिक, एक एसिड रेन और एक वाटर पॉल्यूशन, और एक ये 2020 का ये क्वेश्चन हम एनालाइज करेंगे। और इसके इफेक्ट आपको क्या करना है, मोस्टली जो ट्वेल्थ करके जो बच्चे जाते हैं, अगर वो हिंदी बोर्ड से होते हैं, हिंदी माध्यम से अगर उन्होंने पढ़ाई की होती है, तो उनके लिए स्विच करना बहुत टफ हो जाता है। क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो हालांकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में होता है, क्योंकि जो मार्केट की डिमांड है, क्योंकि जो आप डी फार्मा के जो मार्केट की मेडिकल के लिए जाएंगे या मेडिकल की जो मेडिसिन होती है वो सब इंग्लिश में होती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना पेपर जो दें वो इंग्लिश में ही दें। थोड़ा सा टफ रहेगा, आप मेहनत करिए, ऐसा नहीं है कि मेहनत करने से नहीं होगा, मेहनत करने से बहुत बहुत हो जाता है, थोड़े बहुत नंबर आपके इधर भी इधर हो जाएंगे, लेकिन आपको उसका फ़ायदा बहुत मिलने वाला है। तो आप इसका एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो आप एग्ज़ाम इसका इंग्लिश में ही दें। हिंदी में देने से आपका, क्योंकि आउटपुट आपको क्या करना है, इंग्लिश में ही सब जो दवाई होती है इंग्लिश में ही आपको बिल बनाना है, इंग्लिश में ही सब कुछ करना होता है, तो इंग्लिश में ही दें। हिंदी में दे देते हैं क्यों बच्चे, क्योंकि इंग्लिश से डरते हैं जो हिंदी माध्यम से पढ़ के जाते हैं। बीईटी का ये जो है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी का, इसका ये सिलेबस है। तो फर्स्टली एसिड रेन, एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन जब क्लाउड फॉर्मेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन किससे होता है, H2O, इसमें H2O एक क्लाउड में, ये एक ग्रेवी तैयार करेंगे। जैसे हम कोई कढ़ाई पनीर या कोई और डिश बनाते हैं तो उसमें हम मिर्च मसाले प्याज की कितनी क्वांटिटी रखनी है ये सब बना के अच्छी सी डिश तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा एक क्वेश्चन का, ये नहीं कि पूरा आपको लिख के बताऊंगा कि ऐसे करना है, क्योंकि ग्रेवी तैयार हो जाएगी, पूरा मसाला तैयार हो जाएगा, आपको डिश किस तरीके से तैयार करनी वो आप पे डिपेंड करता है। H2O क्लाउड में होता है। फिर क्या होता है, जो हमारा रिलीज किस फॉसिल फ्यूल से क्या निकलता है, H2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दो एलिमेंट निकलते हैं। किससे निकलते हैं, जब फॉसिल फ्यूल को हम जलाते हैं, कोयले से निकलता है, थर्मल पावर प्लांट है, जो ईंट के भट्टे होते हैं इनसे भी निकलता है, ऑटोमोबाइल से भी निकलता है। तो ये जो क्लाउड में जब इन्वायरमेंट में जाते हैं तो ये रिएक्शन कर लेते हैं, कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं, कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये बादल में जब मिक्स हो जाता है, तो जब प्रेसिपिटेशन होता है, जब बारिश होती है, तो उस बारिश का क्या इफेक्ट पड़ता है कि जो हमारे नेचुरल लेक है, बड़ी झील है या पॉन्ड है, उसका जो इकोसिस्टम है, उसकी जो इकोलॉजी है, वो डिसबैलेंस हो जाती है, इसका इफेक्ट पड़ता है। और इसके अगर पीएच स्केल से हम समझे कि एसिडिक क्या है, जब ये फॉर्म होता है तो इसमें H+ आयन कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो एसिडिक की तरफ आने लगती है। बेसिक वैल्यू उसकी कितनी होती है, 7, लेकिन जब एसिड रेन होती है तो उसकी पीएच वैल्यू इज अप्रोक्सीमेट 6 हो जाती है, ये एसिडिक का नेचर है। तो एसिडिक जो बारिश होती है, एसिड रेन जो होती है, उसके कारण, उसके फैक्टर कौन कौन से हो गए, जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे SO2 निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, और वो रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बना लेता है। फिर इसके रिड्यूस किस तरीके से हम इसे कम कर सकते हैं, इसके क्या क्या उपाय हैं, इसके क्या क्या मेथड है। तो हम रिलीज जो फॉसिल फ्यूल है उसको कम कम्बस्ट करें, कम उसे जो है बर्न करें, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो अब देखा होगा आपने गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रही है, और भी जो हाउस होल्ड से जो धुआं निकलता था तो उसकी तरफ आपने देखा होगा कि जो गैस सिलेंडर हैं वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट मिनिमाइज कर दिया गया जो धुआं है। तो इस वजह से आप इस चीज़ को कम करके आप एसिड रेन में कमी ला सकते हैं, ये इसका क्या हो गया, रिड्यूस करने का एक तरीका हो गया। फिर इसमें दूसरा टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन।
वाटर पॉल्यूशन मीन्स पॉल्यूशन एक ऐसा टर्म होता है, जैसे कि अगर किसी एक नेचुरल सब्सटेंस में हम एक अनवांटेड मटेरियल ऐड कर दें, वो पॉल्यूट हो जाता है, वो पॉल्यूशन हो जाता है। जैसे अगर एयर की बात करें तो एयर में अनवांटेड गैसें, अनवांटेड मटेरियल, अनवांटेड सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर अगर ऐड हो जाता है तो वो एयर पॉल्यूशन हो जाता है। इसी तरीके से वाटर में अनवांटेड चीज़ें, जैसे वाटर में क्या होता है, ऑयल स्पिल होता है। ऑयल स्पिल कैसे होता है, जो बड़े बड़े जहाज हैं, बड़े बड़े कंटेनर हैं जो दूसरे देश से दूसरे देश पहुंचाने का ऑयल, क्रूड ऑयल का काम करते हैं, तो वो क्या होता है, वो रिस जाते हैं, थोड़े स्पिल हो जाता है उसमें, क्या होता है, फिर वो पूरा वहां पर सतह पर पूरे ग्राउंड वाटर पर पड़ा रहता है। या फिर जो सी लेवल है, सी का जो सरफेस वाटर है उस पर बहुत दिनों तक रहता है, तो वो उसे पॉल्यूट कर देता है। इसी तरीके से जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है, इंडस्ट्रियल से निकलने वाला जितना भी वेस्ट मटेरियल है, वो गंगा, यमुना, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं इनमें जाके चला है। इसी वजह से क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। ग्राउंड वाटर की हम बात करें तो जो हम देखेंगे कि ज़्यादा एक्सेसिव फ्लोराइड ग्राउंड वाटर में ऐड हो रहा है। फ्लोराइड का आप देखेंगे, फ्लोराइड एक ऐसा ये सब्सटेंस है, इसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो आपकी बोन बहुत कमज़ोर हो जाएगी, आपको एनेमिया सा फील होगा। तो इसे दूर करने के लिए घरों में देखा होगा आपने अक्सर, के लोग लगाते हैं आरओ, लगाते हैं आरओ लगा लेते हैं, वाटर प्यूरीफायर लगा लेते हैं, ताकि फ्लोराइड की मात्रा, यूवी की मात्रा थोड़ी कम हो सके और वाटर को प्योर किया जा सके। इसमें गवर्नमेंट का क्या है, एक आपने देखा होगा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, जो कि जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ से निकलने वाला जितना भी आउटपुट है वो डायरेक्ट हमारा उसमें ना जाए, रिवर में। फिर एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर वाटर अथॉरिटी, ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, ये 1986 इन्वायरमेंटल एक्ट से लिया गया है। इसके अकॉर्डिंग ये जो अथॉरिटी है ये इस्टेब्लिश हुई है। और गवर्नमेंट का और क्या एफर्ट है, गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया 1974 में, वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974। इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, वाटर के पॉल्यूशन को कंट्रोल और मैनेज करने का काम करते हैं। अब इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन 2020 में आया है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीन बाई पॉल्यूशन, डिस्कस द फैक्टर अफेक्ट द वाटर पॉल्यूशन। इसमें कीवर्ड अगर हम देखेंगे तो पॉल्यूशन कीवर्ड हो गया, फैक्टर दैट अफेक्ट वाटर पॉल्यूशन, तीन कीवर्ड हो गए। अगर इसका हम पूरी तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे, आंसर इसका फ्रेम करेंगे, तो सबसे पहले हमें पॉल्यूशन की डेफिनेशन देना है। डेफिनेशन कैसे देना है कि जो नेचुरल चीज़ है, जैसे नेचुरल अगर वाटर है या नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसमें अगर अनवांटेड मटेरियल ऐड हो जाता है इस कॉल्ड पॉल्यूशन। अगर वाटर में हो रहा है तो वाटर पॉल्यूशन, एयर में हो रहा है तो एयर पॉल्यूशन। तो ये पॉल्यूशन की डेफिनेशन देना है। फिर डिस्कस दैट फैक्टर अफेक्ट वाटर पॉल्यूशन, वाटर को कौन कौन से फैक्टर हैं जो वाटर पॉल्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ बताया ऑयल स्पिल, ये वाटर को अफेक्ट करते हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक आपने देखा होगा नाले के थ्रू किस में जाती है, नदियों में, नदियों के थ्रू किस में जाती है, सी में, और वो उसी फूड चेन में ऐड हो जाती है। किसके थ्रू, वो ग्राउंड में पहुंच जाती है, उसका बहुत बायो डिग्रेडेशन जो है वो बहुत स्लो है, 50 साल, 60 साल, 40 साल ऐसे लग जाते हैं, तो वो ग्राउंड में लीचिंग करके ग्राउंड वाटर में ऐड हो जाती है, जिस वजह से क्या है, ग्राउंड जब हम पानी पीते हैं उसका, ग्राउंड का सरफेस का पानी पीते हैं, तो वो हमारे फूड चेन में भी एंटर हो जाती है। और जो सी फूड है, मछली है, जो खाने के साधन है, वो उसे यूज़ करती हैं, तो वो भी जब खाती हैं तो वो हमारा इंसान, ह्यूमन बींग का खाने की एक चीज़ है, तो वो भी उसमें ऐड हो जाती है, किसमें, फूड चेन में। तो ये क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से एनालाइज कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे से पूरा बना भी लेंगे। पॉल्यूशन को यहाँ पर डिफाइन करना है, और वाटर पॉल्यूशन और फैक्टर, फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं आपको ऐसे लिखना होता है, 100 वर्ड्स इसमें आराम से लिख सकते हैं, और आप इंग्लिश में ही लिखें। दो टॉपिक मैंने यहाँ समझाया है, सिलेबस के ही हैं, एसिड रेन और वाटर पॉल्यूशन। एसिड रेन कैसे होता है, वाटर पॉल्यूशन सब्जेक्ट ये था। ये पूरा नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक लेके हम कवर करेंगे। अगर ये सब वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।